वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के पटेल मंडप के निकट मेडिकल स्टोर संचालक को तमंचा दिखाकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। बतौर पुलिस ये बदमाश एक बार फिर से पटेल मंडप के निकट ही लूटपाट करने की योजना बना रहे थे कि पुलिस से मुठभेड़ हो गई। 3 ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आपको याद होगा कि 16 मार्च की रात नौचंदी थाना इलाके में मेडिकल स्टोर संचालक से बदमाशों ने 45,000 रुपये व 2 मोबाइल लूट लिए थे। लूटपाट की है वारदात CCTV में कैद हो गई थी। इस लूटपाट का शिकार शास्त्री नगर सेक्टर 3 निवासी अनिल मेघानी हुए थे। उनका कोतवाली थाना इलाके में मेडिकल स्टोर है। आज SP City नीत भटनागर ने मीडिया को बताया कि नौचंदी थाना प्रभारी दिनेश चंद शर्मा को यह सूचना मिली थी कि पटेल मंडप के निकट ही कुछ बदमाश लूटपाट के इरादे से जमा है। उन्हें घेरने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायलों के नाम उम्र पुत्र इकबाल निवासी फूटा रोड श्याम नगर, साद मान पुत्र सलीम निवासी बनीसराय और जुबैर पुत्र आस मोहम्मद निवासी श्याम नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ है। तीनों के पास से 3 तमंचे, 25,000 व चोरी की 1 स्कूटी बरामद हुई है। देखिए, आपको जानकारी है, परसों रात में देर रात एक बड़ी सनसनीखेज घटना थाना नौचंदी क्षेत्र में पटेल मंडप के पास कार्य की गई थी। एक व्यक्ति जो कि व्यापारी था और अपना मेडिकल स्टोर बंद करके आ रहा था, 3 बदमाशों ने फुल पब्लिक व्यू में उनके साथ में रात में उनको रोक करके और तमंचा दिखा के उनके साथ लूट करी थी। 2 मोबाइल्स और 36,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये घटना CCTV में कैद हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि घटना जो है CCTV के सामने जो है लाइव लूट हो रही हो। इसमें पुलिस ने चैलेंज को स्वीकार किया है और हमारी SWAT टीम और थाना नौचंदी की टीम ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें घटना में संलिप्त जो 3 बदमाश हैं, तीनों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे घटना में लूटे गए 2 मोबाइल और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है नकदी की बरामदगी हुई है। इनसे जो कड़ाई से पूछताछ करी गई तो इन्होंने कुछ और घटनाओं में संलिप्तताई बताई है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की हम जानकारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि इनके हौसले बढ़े हुए थे बदमाशों के। इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो अपने बचाव में जो कार्रवाई करी है उससे ये बदमाश भी घायल हुए हैं। इनको बेहतर इलाज के लिए हमने अस्पताल में भर्ती कराया। विवेचना के क्रम में घटनाओं का खुलासा और बाकी जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और कौन कौन लोग इसके साथ रहे हैं, कितना बड़ा ग्रुप है? देखिए, इस समय उसका खुलासा करना अभी ठीक नहीं है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हैं, हमको मिली हैं। इस घटना में जिस व्यक्ति ने ये सेटअप की थी लूट, जिसने इसके बारे में बताया था, वो व्यक्ति भी हमारी उसकी भी पहचान हो चुकी है। जल्दी इस लूट को प्लान करने वाले चौथे व्यक्ति की भी हम गिरफ्तारी करेंगे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।